सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल कुक विद अस्मा खान को और प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि मेरी वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के साथ दो तरीके के रायते की रेसिपी शेयर करेंगे। ये रायता किसी भी तरीके की बिरयानी के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में और बनाने में भी बहुत आसान होता है। तो आइए इस रायते को बनाना शुरू करते हैं। मिक्स वेजिटेबल रायता बनाने के लिए हम एक बोल में दही डालेंगे। हमने यहाँ पे एक कप दही ली है, ये वेट में 200 ग्राम है। इसको हम छन्नी से छान लेंगे। छन्नी से छानने से दही जो है वो बहुत ही चिकनी निकलती है और साथ में कोई लम्स भी नहीं रहता उसमें। आप चाहे तो दही को बीट भी कर सकते हैं बीटर से। दही को छान लिया हमने, छन्नी हटा देते हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी चिकनी दही निकली है और कोई लम्स भी इसमें नहीं है। तो अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। हमने लिया है 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफेद नमक, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। सभी मसालों को दही में अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम सभी सब्जियां डालेंगे। खीरा डालेंगे बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून, मिर्चा लिया है हमने 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई प्याज ली है और 2 टेबलस्पून गाजर ली है। इसे हमने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। सभी सब्जियों को हम दही में अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही में हम धनिया भी डाल देंगे, ये भी 2 टेबलस्पून है। अभी आपको जो दही है वो बहुत ज्यादा थिक लग रही है, लेकिन जैसे ही सब्जियां अपना पानी रिलीज करेंगी ये बिल्कुल सही हो जाएगी, परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये देखिए हमने सब्जियों को दही में अच्छे से मिला लिया है। आप देख सकते हैं कि अब दही बिल्कुल गाढ़ी नहीं है। तो हमारी मिक्स वेजिटेबल रायता तैयार है। अब इसे हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए मिक्स वेजिटेबल रायता बनके तैयार है। बस इसे थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर देते हैं और आप इसे गर्मा गर्म बिरयानी के साथ सर्व करिए। अब दूसरा रायता हम बूंदी का बनाएंगे। तो बूंदी का रायता बनाने के लिए भी हम एक कप दही का इस्तेमाल करेंगे। इसे भी हम छन्नी से अच्छे तरीके से छान लेंगे। दही को हमने छान लिया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, छन्नी में फैलाते हुए डालेंगे ताकि छन्नी में जो दही है वो भी अच्छे से निकल जाए। मिला लेंगे इसे। अभी आपको दही बहुत ही पतली दिख रही होगी, पर जब इसमें हम बूंदी डालेंगे तो वो काफी पानी सोख लेगी। हमने यहाँ पे 1 कप बूंदी इस्तेमाल किया है। बूंदी को अच्छे तरीके से दही में डिप कर देंगे। ये देखिए बूंदी अच्छे तरीके से डूब गई है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि बूंदी जो है अच्छे तरीके से सेट हो गई है, यानी कि उसने काफी पानी सोख लिया होगा। 10 मिनट के बाद हम इसे खोलते हैं। ये देखिए बूंदी अच्छे तरीके से सेट हो गई है, दही भी गाढ़ी हो गई है। आप देख सकते हैं कि बूंदी जो है वह कितनी फूल गई है। ये देखिए अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा बूंदी रायता बिल्कुल तैयार है। बस अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। रायते को हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे।
इसे अब हम गार्निश करेंगे थोड़े से जीरे पाउडर से। चिली फ्लेक्स से ये दिखने में और अच्छा लगने लगता है। और थोड़े से हरे धनिए से सजाएंगे। तो लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी बूंदी रायता तैयार है। आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखिए और फिर गर्मा गर्म बिरयानी के साथ सर्व करिए, ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दोनों रायते किसी भी तरह की बिरयानी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो आप इसे बनाइए, खुद भी खाइए, अपनों को भी खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।